एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का ये वीडियो बड़ा ही काम का आपके लिए होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक मसाज थेरेपिस्ट को अपने पैसे का खर्चा करना चाहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि मसाज थेरेपिस्ट को कैसे अपना खर्चा करना चाहिए अपनी कमाई का, और क्या वो फॉर्मूला है जिसके ऊपर काम करके वो करोड़पति बन सकता है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है उसके अंदर की जो भी पैसा आपके पास आता है उसका 10% यस 10% आपको खर्च नहीं करना है, उसको सेविंग में डालना है। अब ये सेविंग आपकी ऐसी हो सकती है कि आप पीपीएफ में डाल सकते हैं, आप इसका एसआईपी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये 10% पैसा इस तरीके से डालना है कि इसके ऊपर कभी भी आप दोबारा अपने लाइफ में नजर नहीं डालेंगे। आप ये सोच लीजिए, अगर आपका कलेक्शन 1 लाख हुआ है तो आप मान के चलिए कि सिर्फ 90,000 ही आपके पास आया है, तो 10% आपका हमेशा लॉन्ग टर्म सेविंग में जाना जरूरी है। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, 30% जो इनकम होती है, यानी कि अगर 1 लाख रुपया कमाया है तो 10,000 तो आप भूल ही गए, यानी कि आपने 90 कमाया है, अब 30% यानी कि 30,000 रुपया आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या अगर आप मसाज सेंटर चला रहे हैं तो वो आपको रीइन्वेस्ट करना है। अब रीइन्वेस्ट का मतलब ऐसा हो सकता है कि आप शायद उसके लिए मार्केटिंग या प्रमोशन में यूज करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं होंगे और कभी भी आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, ये 100% यहाँ पर श्योरिटी है। इसके साथ साथ अब आते हैं नेक्स्ट एक और एलिमेंट, और कि 10% पैसा आपको कहाँ यूज करना है, वो आपको करना है अपनी लर्निंग के अंदर। क्योंकि क्या है, आज के टाइम में डिजिटल का जमाना है। अब चाहे देखिए, हो सकता है आज की डेट में आपने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह सब सीख भी लिया होगा, थोड़ा बहुत आप उसकी वजह से कुछ क्लाइंट ले भी रहे होंगे, लेकिन यूट्यूब के अंदर भी हर 3 महीने पे सिस्टम चेंज हो जाता है, फेसबुक पे भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, इंस्टा पे भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या फिर कोई नया ऐप आता है तो वहां पर भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है। यानी कि आपको रेलेवेंट लर्निंग जो करनी होती है, जो हमेशा मैं मेरे सेशन में बोलता हूँ, सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, आपको रेलेवेंट लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेलेवेंट लर्निंग में आपको 10% पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, कि 50% जो पैसा है वो आप अपने अपने खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए अपने पास रख सकते हैं, जिसमें से आप खर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आपको एक आंखें खोल दी होंगी इस फॉर्मूले ने। और अगर आप अभी तक मसाज थेरेपी में आने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी मसाज थेरेपिस्ट हैं भी, तब भी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, ये समझने के लिए कि और डीपर लेवल पे क्या हो सकता है अगर आप वाकई में इस फील्ड में सक्सेस चाहते हैं। हमारा फ्री वेबिनार भी होता है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर रजिस्टर करें, आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी दें और वहां पर आप जो भी पहले 10 एक्शन टेकर होते हैं उनके लिए ये वेबिनार फ्री होता है, ऑनलाइन होता है, आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।